Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. नमस्कार दोस्तों, कलर्स टीवी पर हमने कई सारे पॉपुलर शोज देखे हैं, जो कि अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड पर आधारित रहे हैं। जहाँ किसी शो में गुजराती बैकग्राउंड देखने को मिला तो किसी में राजस्थानी या हरियाणवी। इन सभी शोज का अपना एक फ्लेवर रहा, पर इन सभी शोज में जिसने हमारा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो था कलर्स के पंजाबी बैकग्राउंड में सेट किए हुए सीरियल्स, जहाँ इन सीरियल्स में पंजाबी कल्चर को बेहद ही खूबसूरती से रिप्रेजेंट किया गया। जहाँ इन शोज में पंजाब के हरे भरे खेतों से लेकर पंजाबी पर्व लोहड़ी को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया गया। इन शोज में पंजाबी बोली और पंजाबी वेशभूषा को भी बड़ी ही सादगी से पेश किया गया। कलर्स में आने वाले लगभग सारे पंजाबी शोज सुपरहिट रहे और इनके कपल्स को भी दर्शकों का बखूबी प्यार मिला। तो दोस्तों, आइए नजर डालते हैं कलर्स पर प्रसारित हो चुके पंजाबी बैकग्राउंड शोज पर। सबसे पहले बात करेंगे शो मोहे रंगदे की, जो कि 2008 में प्रसारित हुआ था। इस शो ने ईयर 1942 के पंजाब को रिप्रेजेंट किया था। इस शो में ब्रिटिश राज के अंदर पंजाब कैसा हुआ करता था ये दिखाया गया था। जहाँ इस शो में पंजाबी कल्चर से लेकर पंजाबी वेशभूषा और पंजाबी बोली को बेहद ही प्रभावी तरीके से दिखाया गया। जहाँ शो में राजवीर और क्रांति की प्रेम कहानी को दिखाया गया था और इस पंजाबी जोड़े को ऑडियंस ने बखूबी पसंद किया। तो दोस्तों, अब आएंगे कलर्स के एक अन्य शो बानी इश्क दा कलमा पर, जो कि 2013 में प्रसारित हुआ करता था। वैली शो ने भी पंजाब के बैकग्राउंड को काफी खूबसूरती से कैप्चर किया। जहाँ इस शो की कहानी बानी और रज्जी नाम की दो बहनों के इर्द गिर्द घूमती थी। यहाँ इन दोनों के कैरेक्टर्स के पंजाबी लुक्स को दर्शकों ने काफी अप्रिशिएट किया। कनाडा में रहने वाले एनआरआई से बिना जांच पड़ताल के अपनी बेटियों की शादी रचाने वाले माइंडसेट को भी काफी हाईलाइट किया गया। शो में इस सोच के बैड कॉन्सिक्वेंसेस को भी दिखाया गया था। तो दोस्तों, अब आएंगे कलर्स के अन्य शो कसम तेरी प्यार की पर, जो कि 2016 में प्रसारित हुआ था, जिसकी कहानी सेट की गई थी पटियाला पंजाब में। जहाँ शो के लीड ऋषि सिंह बेदी और तनु दोनों ही पंजाबी कैरेक्टर्स थे और ये स्टोरी थी इनके बचपन से लेके जन्मों जन्मों के प्यार की। जहाँ इस शो में भी पंजाबी कल्चर को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया गया। शो में दिखाए गए लोहड़ी सेलिब्रेशन के एपिसोड्स बेहद ही खास हुआ करते थे। तो दोस्तों, आप बात करेंगे सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की, जो कि पंजाब में सेट किया गया था। जहाँ हर एक करेक्टर पंजाबी फ्लेवर में रंगा हुआ था। शो में रूरल पंजाब की गाँव की खूबसूरती को बखूबी पेश किया गया था और पंजाब के गाँव में रह रही सौम्या नाम की ट्रांसजेंडर गर्ल को स्ट्रगल को भी दिखाया गया था। जहाँ पुरानी सोच रखने वाले उसके परिवार और उसके इन-लॉज के खिलाफ उसके अस्तित्व की लड़ाई देखने को मिली। जहाँ शो में हरमन और सौम्या का पंजाबी जोड़ा शो का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा। तो दोस्तों, आप बात करेंगे कलर्स के ऐसे शो की जिसके नाम पर ही पंजाब छुपा हुआ है, जो कि है छोटी सरदारनी। ये शो 2019 में लॉन्च हुआ था और अब तक सक्सेसफुली चल रहा है। इसके हिट होने की सबसे बड़ी वजह रही है शो का पंजाबी बैकड्रॉप, जो कि शो को काफी कलरफुल बनाता है। जहाँ शो अमृतसर पंजाब पे रह रही रिच गिल फैमिली को दर्शाता है। वेल, ये कलर्स का पहला ऐसा शो था जहाँ लीड हीरो को फुल टाइम शो में पगड़ी पहने हुए एक प्रॉपर सरदार के रूप में दिखाया गया। जहाँ शो के लीड्स मेहर और सरब की पंजाबी जोड़ी काफी आइकॉनिक रही, वही शो की आफ्टर जनरेशन लीड पंजाबी जोड़ी सहर और राजवीर को भी ऑडियंस काफी पसंद कर रहे हैं। वेल, इस शो के लीड्स भी रियल लाइफ में पंजाबी ही है, जिस वजह से इनकी एक्टिंग और भी ज्यादा रिलेटेबल लगती है। फाइनली आएंगे कलर्स के लेटेस्ट पंजाबी शो उडारिया पर। ये शो आते ही काफी लोकप्रिय हुआ। इस शो की कहानी को सेट किया गया है पंजाब की सिटी मोगा पर, जहाँ शो की दोनों लीड्स तेजो कौर संधु और जासमिन कौर संधु पहनावे और बोली से ही नहीं पर दिल से भी पूरी तरह देसी पंजाबन है। इस शो में पंजाबी फैमिलीज और उनकी बोली और रहन सहन को बड़े ही प्रभावी ढंग से दिखाया गया है। शो में पंजाबी कुड़ी जैस्मिन के कनाडा जाने के ऑब्सेशन को भी बखूबी दिखाया गया है। शो के लीड कैरेक्टर फतेह भी पंजाबी मुंडा है, जिसकी केमिस्ट्री को तेजो और जैस्मिन दोनों के साथ बखूबी पसंद किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे कलर्स के ब्लॉकबस्टर पंजाबी बैकड्रॉप सीरियल, जो कि कलर्स टीवी के लिए सुपर लकी साबित हुए। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि इनमें से आपका फेवरेट शो कौन सा रहा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।